नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का सेफ टेक्नो पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फायर फाइटिंग में यूज होने वाले रेस फॉर्मूला के बारे में। इससे पहले हमने पास फॉर्मूला के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज बात करेंगे रेस फॉर्मूला के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी कहीं आग लग जाए तो अपनी सुरक्षा और दूसरों की मदद के लिए रेस नियम का पालन जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं कि रेस नियम क्या है। दोस्तों रेस नियम में R स्टैंड्स फॉर रेस्क्यू और रिमूव। दोस्तों जब भी आपके आसपास कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले सुरक्षित रहकर वहाँ से लोगों को बचाएं जहाँ आग लगी है। यदि संभव हो तो दूसरों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। इसके बाद अगला टर्म आता है A, यानी अलर्ट और एक्टिवेट। दोस्तों आग लगने पर फायर अलार्म को एक्टिवेट करके तुरंत आग लगने की सूचना दें। अलार्म बजाने के अलावा इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करें ताकि मदद जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके बाद आता है सी, यानी कन्फाइन और कंटेन। अगर संभव हो तो आग को फैलने से रोकें, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें ताकि धुआं और आग न फैले। इसके बाद आखिरी टर्म है ई, यानी कि एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट। छोटे आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। यदि आग बहुत बड़ी है या स्थिति नियंत्रण से बाहर है तो तुरंत उस जगह को खाली कर दें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दोस्तों इस नियम को याद रखें और आग लगने की स्थिति में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।